आज मैं बहुत ही उदास हूँ और बहुत ही मतलब डीमोटिवेटेड हूँ। और मतलब आपको पता है कि मैं लास्ट 8 ईयर से नीट और जेई के एस्पिरेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ और रियल में आज मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड हूँ। मतलब आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जो मैंने आज तक अपने कैरियर में या अपने लाइफ में कभी फील नहीं करा। आज का जो मेरा लाइव सेशन है, प्लीज़ आप इस लाइव सेशन को कंप्लीट सुनोगे, आप कुछ भी हो जाए अभी सेशन को कंप्लीट सुनना है आपको, क्योंकि आज मैं एक टीचर बन के या मैं एक कोचिंग का मालिक होके आपके सामने नहीं आया हूँ। आज मैं एक आपका बड़ा भाई, एक आपके पेरेंट, एक आपके रिलेटिव बन के मैं आपके सामने आया हूँ। आज मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड हूँ। आप बिलीव करोगे, अपने इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, अपने असम में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जो नीट और जेई के एस्पिरेंट हैं। तो मैं बस आपको एक बात बोलना चाहूँगा, एज ए बड़ा भाई, एज ए आपके फैमिली मेंबर, क्या आपको, सबसे पहले बात है कि ये ड्यूरेशन बहुत लंबा लेने वाला हूं मैं, तो आप लाइव रहे और मेरी बातों को सुने। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हो तो क्या आपका लाइफ खत्म हो जाता है? क्या आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो? आप मुझे इस बात का कमेंट में रिप्लाई करें कि क्या अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हो तो क्या आप जिंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते हो? मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ कि यार लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं। मतलब आप अपने जिंदगी से इतना हार चुके हो कि आप मुझे, अपने फैमिली मेंबर को आप इतना बड़ा पेन दे के जा रहे हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुसाइड करना एक सोल्यूशन है? क्या फ्रस्ट्रेट होना एक सोल्यूशन है? क्या डीमोटिवेट होना एक सोल्यूशन है? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है लाइफ में। पता है क्यों? हमारी लाइफ बहुत लंबी है और हम चाहे अपने जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हमारे अंदर वो डेडिकेशन और वो मोटिवेशन हो। आपको पता है कि इंटायर कंट्री में COVID-19 का सिचुएशन बहुत खराब चल रहा है और जितने भी नीट और जेई के जो एस्पिरेंट है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मैं करूं तो क्या करूं, मैंने 1 ईयर 2 ईयर बहुत प्रिपरेशन करा है, अगर एग्जाम ही कैंसिल हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर एग्जाम ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, मैं इस पे क्या करूंगा। दोस्त, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि नीट एक ऐसा एग्जाम है और जेई एक ऐसा एग्जाम है जो कभी भी कैंसल नहीं हो सकता है। हमारी जिंदगी थोड़े टाइम के लिए रुक सकती है लेकिन हमारी लाइफ कैंसल नहीं हो सकती, हमारी लाइफ खत्म नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी बात है ये, आप ये सोचो कि हो सकता है कि हमारा लाइफ कुछ टाइम के लिए रुक गया है। आप ऐसा सोचो कि हमारा लाइफ
जैसे मान लो कि एक कमरे में आप बंद हो, आपको पता है कि लॉकडाउन में कमरे में बंद होना पड़ता है, आपको बस खाना मिलता है, जिंदगी का कुछ भी चीजें नहीं मिलता है, तो ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारी लाइफ रुक गई है। आपने जो सपना देखा, हमने जो सपना देखा है वो रुक गया है। आप डॉक्टर बनने वाले थे, आपका एग्जाम होने वाला था, सब रुक गया है, सब कुछ रुक गया है। ये पृथ्वी रुक गया है, ये अर्थ रुक गया है, ये सन रुक गया है, ये मून रुक गया है, सब कुछ रुक गया है। लेकिन कभी आप ये सोचो, क्या आपका हार्ट बीट रुका है? क्या आपका दिल का धड़कन रुका है? नहीं, वो हमेशा चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जो मुझे आप देख पा रहे हो, मैं बस आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सब कुछ रुक जाने दो, सब कुछ रुक जाने दो, लेकिन आपके दिल के धड़कन नहीं रुकने चाहिए। आपको खुद को सेफ रखना है और आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है। आपको पता है, इंसान स्ट्रांग तब बनता है जब उसके मंजिल बहुत डिफिकल्ट होते हैं। याद करो, जब आप 1 ईयर पहले अपने स्टडी को स्टार्ट करा था, और जब आपने सपने देखे थे कि नेक्स्ट ईयर मैं MBBS करूंगा, नेक्स्ट ईयर मैं BTEC करूंगा, नेक्स्ट ईयर मैं IAS बनूंगा, समथिंग, सब लोगों ने अपने अपने लाइफ में सपने देखे थे। आपके सपने रुक गए हैं, लेकिन आपके सपने खत्म नहीं हुए। याद रखना ये बात, आपके सपने रुक गए हैं, लेकिन आपके सपने खत्म नहीं हुए हैं। जब तक आपका ये दिल चल रहा है ना, जब तक आपका ये दिल के धड़कन चल रहे, जब तक आपके ये दिल के धड़कन चल रहे हैं, तब तक आपके सपने खत्म नहीं हुए। इंसान इस दुनिया में जब पैदा लेता है ना, जब इस दुनिया में आता है, उस टाइम से ही उसके सपने स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने सपनों को लेके जीता है कि मैं क्लास 10th में इतना परसेंट लाऊंगा, क्लास 12th में मैं इतना परसेंट लाऊंगा, देन मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, मैं आर्म फोर्स में जाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा। आपके सपने कभी खत्म नहीं होते, आपके सपने कभी खत्म नहीं होते। ये जो स्पेशल वीडियो है हमारा, ये बस इसलिए है क्योंकि आपको जिंदगी में फ्रस्ट्रेट नहीं होता होना है। जिंदगी आपकी रुक गई है, लेकिन आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। याद रखना ये बात, आपकी जिंदगी रुक गई है, लेकिन आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई अभी तक। और ये जिंदगी को खत्म भी नहीं करना, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी रुकी है, एक दिन वो भी आएगा जब आपकी जिंदगी फिर से वही लहरों में होगी जिस लहर में आप बहा करते थे। याद रखिएगा ये बात, फिर से आपकी वही जिंदगी आएगी जिस लहरों में आप बहा करते थे, फिर से वो दिन आएगा जब आप अपने सपनों को पूरा करते हुए देखे जाओगे। तो याद रखिएगा आप ये बात कि आपको फ्रस्ट्रेट डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये आपको जिंदगी जीने को सिखाए। हो सकता है कि इस सिचुएशन में आप अपने लाइफ को ऐसे सीखो जो आपने आज तक कभी सीखा नहीं। तो याद रखना दोस्तों, मैं लास्ट 2 मंथ से आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में भी आई और मैं उससे बाहर निकला,
और आज मैं फेसबुक लाइव आने के पीछे बस रीजन ये है कि दोस्त मेरे भाई, जो भी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही है मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे शेयर करो, मैं आपके आपको मोटिवेट करूंगा। आपके जिंदगी में प्रॉब्लम है, हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, इस लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, हर एक बंदा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो क्या इस प्रॉब्लम में मैं अपने हार्टबीट को रोक दूं? क्या मैं अपने लाइफ को द एंड कर दूं? क्या मैं सुसाइड कर लूं? क्या मैं डीमोटिवेट हो जाऊं? नहीं। जिस दिन मैंने सपना देखा था, जिस दिन तुमने सपना देखा था, क्या आपने ये देखा था ना आप डॉक्टर बनोगे? क्या आपने देखा था ना आप इंजीनियर बनोगे? क्या आपने देखा था ना आप कुछ बनोगे? उसी सपने को लेके जीना है दोस्त, और सपने को खत्म नहीं करना, एकदम नहीं करना है दोस्त। सपने के साथ जीना है, मोटिवेटेड रहना है। और याद रखना, जब इंसान का लाइफ कभी खराब होता है ना, तो कभी ना कभी उसके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है। होगा, आज नहीं तो कल होगा, 1 मंथ के बाद होगा, 2 मंथ के बाद होगा, 3 मंथ के बाद होगा। लेकिन दोस्त, डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है और पढ़ाई करते रहना है। जो भी आप करो, जो भी आप करो, अच्छे से करो, टेंशन नहीं लेने का दोस्त। मैं बोला ना कि मैं हाईली फ्रस्ट्रेटेड डीमोटिवेटेड हूं, क्योंकि मैं सुनता हूं कि कोई बच्चा सुसाइड कर लिया, वो नीट का एस्पिरेंट था। यार आप सोचो कि मुझे कितना इस ब्रेन पे कितना लोड पड़ा होगा। जिन बच्चों के साथ मैं पूरा साल बिताता हूं, अगर कोई बच्चा सुसाइड कर ले, सोचो कितना तकलीफ हुआ होगा मुझे। तो दोस्त, आप एकदम नहीं सोचना है, जैसे आपका एग्जाम पहले मई वाले मंथ में होने वाला था, फिर आपको पता चला कि जुलाई में होने वाला है, फिर आपको पता चल रहा है कि नहीं और भी पोस्टपोन होने वाला है। तो आपको पता है कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि जिस टाइम पे मैंने बोला था गवर्नमेंट में, उसी टाइम में दिया है। तो मैं बताता हूं आपको एक बात कि अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, नीट का एग्जाम कभी कैंसिल नहीं हो सकता, जेई का एग्जाम कभी कैंसिल नहीं हो सकता। याद रखिएगा आप ये बात, आपका एग्जाम कभी कैंसिल नहीं होने वाला, कभी कैंसिल नहीं होने वाला। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर मैं मानता हूं कि कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आप बताओ एग्जाम कब होगा? मैं आपको बोलूंगा एग्जाम होगा, और मैं जो एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहा हूं, उसी एक्सपेक्टेड डेट में होना चाहिए। आपका एग्जाम या तो अगस्त लास्ट वीक में होगा, ध्यान सुनिएगा, या तो आपका एग्जाम अगस्त लास्ट वीक में होगा, या तो आपका एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। तो ये जो आपको पीरियड मिल रहा है ना, लॉन्ग सड़प पीरियड जो आपको मिल रहा है, उसको आप खोने मत दो, उसको आप यूटिलाइज करो, अपने पढ़ाई को और तेज बनाओ, अपने ब्रेन को और शार्प बनाओ, और आप पढ़ाई करो। डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आपने जो सपना देखा है उस सपने को आपको अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारी जिंदगी रुक गई है, लेकिन हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। मैं बार से बोल रहा हूं, एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होने वाला, और आपका एग्जाम अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। तो याद रखना, जिंदगी आपकी
रुक गई है लेकिन आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। और जब जिंदगी खत्म नहीं हुई है मतलब आपके सपने खत्म नहीं हुए हैं, और अगर आपके सपने खत्म नहीं हुए हैं मतलब आपको सपना देखने से कोई रोक नहीं सकता। सपने देखो, रोज सपने के साथ जियो, और अपने हर डिमोटिवेशन को मोटिवेशन बनाओ, और आप जिस चीज को ठाने हो उसको आप पूरा करो। डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपसे हमेशा मिलता रहूंगा, और आपको कोई भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आपके दिमाग में कुछ भी आए, उल्टा सीधा कुछ भी दिमाग में आए, प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी। डीमोटिवेटेड नहीं होना, सपने देखो, सपने जियो, और जिस सपने को आप देखा है एक साल पहले उस सपने को बीच में मत छोड़ो। मैं बोल रहा हूं उस सपने को बीच में मत छोड़ो, उस सपने को अचीव करने का भी टाइम आएगा और उस समय आप अचीव करोगे भी, मुझे ये पता है। तो स्टडी करते रहो, और भी स्टडी करो, और भी पढ़ाई करो, लेकिन गलत चीज दिमाग में मत लाना दोस्त। डीमोटिवेटेड नहीं होना, मोटिवेटेड रहना है और पढ़ाई करते रहना है और लाइफ को अच्छा बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कॉपरेशन विथ मी। मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत लाइक करते हो, बहुत प्यार करते हो, और मैं आपको स्टार्टिंग में ये बात बोला था कि मैं आज एक टीचर बन के नहीं आया हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट का मालिक बन के नहीं आया हूँ, आज मैं आपका एक बड़ा भाई, आपका एक फैमिली मेंबर बन के आपके सामने आया हूँ। आप अपने सपने को मत छोड़ो दोस्त, कभी भी गलत चीज दिमाग में मत लाओ, कभी भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, जिंदगी आपका रुक सा गया है, ऐसा मत सोचना दोस्त। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से अपने सपने को जीना, फिर से वही सपना देख पाओगे जो हम लोग लास्ट ईयर देखा करते थे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अच्छे से आप पढ़ाई करो। फिर मैं लास्टली ये बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम अगस्त लास्ट वीक में होगा या सितंबर फर्स्ट वीक में होगा, तो इस टाइम पीरियड को आप अपना ताकत बनाओ, अपना वीकनेस मत बनाओ। थैंक यू सो मच।